जम्मू कश्मीर से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां जम्मू कश्मीर के कुलगांव के गोपालपुरा इलाके में आतंकियों ने स्कूल टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी है। हाई स्कूल की टीचर रजनी बाला पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। 36 साल की रजनी को कई गोलियां लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। कुछ दिन पहले 12 मई को भी एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की आतंकियों ने उसके ऑफिस में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुख की बात है कि निहत्थे नागरिकों की टारगेट किलिंग की लिस्ट में जुड़ा एक और हमला है। जब तक सरकार हालात सामान्य होने का आश्वासन नहीं देती, तब तक निंदा और शोक जैसे शब्द खोखले हैं। हम चैन से नहीं बैठेंगे। कश्मीर में टारगेट किलिंग अक्टूबर में शुरू हुई थी। यहाँ 5 दिनों में 7 नागरिक मारे गए। इनमें कश्मीरी पंडित, एक सिख और प्रवासी हिंदू शामिल हैं, जो नौकरी की तलाश में आए थे। 14 अप्रैल को आतंकियों ने सतीश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले भी शनिवार को आतंकियों ने अलीजान रोड स्थित एबा ब्रिज पर पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब कश्मीर में एक और हत्या होने के बाद कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़ा हो गया है। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद 4 कश्मीरी पंडितों समेत 14 हिंदू आतंकी हमलों में मारे गए हैं। गृह मंत्रालय ने संसद में इसकी जानकारी दी थी। कश्मीरी पंडितों का घाटी में 18 दिन से आंदोलन चल रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत नौकरी पाने वाले पंडित काम का बहिष्कार प्रदर्शन कर रहे हैं। घाटी में ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला प्रदर्शन बन चुका है। रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या के बाद प्रदर्शन शुरू हुआ था। काम करने वाले कश्मीरी पंडितों की मांग है कि हमें कश्मीर के बाहर पोस्टिंग दी जाए। फिलहाल सरकार इस मामले पर चुप है और अब आने वाले वक्त में सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, ये तो वक्त ही बताएगा।